बिग बॉस फेम सृजिता डे ट्रेडिशनल लुक में अपनी मम्मी के साथ हुई स्पॉट। आपको बता दें, एक्ट्रेस अपनी मम्मी के साथ कलोल काली मंदिर दर्शन के लिए पहुंची। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने अपने लुक्स के बारे में बात करते वक्त कहा, ये उनकी नानी की साड़ी है। देखिए मीडिया से बातचीत के दौरान सृजिता ने क्या कहा। कुछ हेल्प लिया था? बिल्कुल, ये मम्मी ये एक्चुअली मेरी ग्रैंड मदर की साड़ी है। मेरी नानी ने मम्मी को दिया, मम्मी ने मुझे आज पहनने के लिए दिया क्योंकि मैं मंदिर आ रही थी। तो मम्मी ने बोला साड़ी पहन के चल, एंड आई लव इंडियन वेयर्स। तो आई लव साड़ी, लहंगा, सलवार सूट्स मुझे बहुत पसंद है जी। माँ से क्या कुछ मन्नत मांगे अगर शेयर करना चाहो तो? मन्नत तो मैं शेयर नहीं कर सकती, बट जब भी मैं मंदिर आती हूँ, कोई माता की मंदिर या शिव जी के या गणपति जी के कोई भी मंदिर में जाती हूँ या चर्च में या दरगाह में, तो मुझे यही सिर्फ मानना है कि सबको खुश रखे, सब खुश रहे। और मैंने अगर ना आशीर्वाद करे, हाँ, और ना जान के अगर कुछ गलती कर दिया तो उसकी माफ़ी, और थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ग्रैटिट्यूड। सृजिता, अभी जब आप मंदिर जा रही थी तो आपने बोला कि श्रृंगार का सामान नहीं, जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद ही, क्या कुछ प्लान किया है, कुछ बताना चाहेंगे अपने सभी व्यूअर्स को? प्लानिंग तो बहुत जोरों शोरों से चल रही है क्योंकि अभी 5 ही महीना बचा हुआ है शादी के, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 जुलाई में शादी है, तो 4 महीने बचे हैं। तो बहुत सारी तैयारियाँ चल रही है और बहुत एक्साइटमेंट है, फिंगर्स क्रॉस्ड। और बाकी आप सबके प्यार, दुआ सब मिल रहा है मुझे, सो थैंक यू सो मच। आंटी, आप कुछ बताना चाहेंगे बिग बॉस शादी के लिए? फिनाले के दिन देखा था कि सृजिता की अभी एक और एक मम्मी दिखने लगी थी, टीना की मम्मी, जिन्होंने इनको आके हग कर दिया। मम्मियों की मम्मी, टीना की मम्मी जी। क्या बताऊं, अच्छा ही है ना, कोई कोई माँ की गलती से भी, गलती से भी अगर माँ की प्यार मिल गए तो अच्छा ही है, उनका आशीर्वाद भी मिला, उनका प्यार भी मिला। सृजिता, सही बात है। नए प्रोजेक्ट्स आप शेयर करना चाहेंगे? आपके सभी फ्रेंड्स ने, सभी ने अपने अपने नए नए प्रोजेक्ट्स का भी रिवील किया है, सभी सरप्राइज अभी दे रहे हैं। हाँ, पर अभी मैंने कंफर्म कुछ साइन किया नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आ रहा है, जैसे ही कुछ मैं कंफर्म साइन करूंगी सबसे पहले मैं आप ही लोगों से शेयर करूंगी। और कौन से रियलिटी शो में जाना चाहोगे आप अगर मौका मिलेगा? डेफिनेटली डांस रियलिटी शो, क्योंकि मुझे डांस का बहुत शौक है, तो डेफिनेटली डांस रियलिटी शो, खतरों, क्योंकि चैलेंजेस, एडवेंचर से भी मुझे बहुत मज़ा आता है। और डेफिनेटली वापस से बिग बॉस में जाना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक मैं नहीं गई थी तब तक मैं डरती थी, हर साल सोचती थी नहीं 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 मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, पर जब मैं जा चुकी हूँ अब मुझे पता चल रहा है ये कितना अलग किस्म का, कितना ब्यूटीफुल शो है। आप एक अलग सा परिवार बना के आते हो, आपके खुद के परिवार तो है ही, प्लस आप एक अलग परिवार बना लेते हो। बिल फिनाले के दिन सभी बहुत ज़्यादा एकदम बेकाबू से इंतजार कर रहे थे कौन बनेगा फाइनलिस्ट, कौन जीतेगा विनर की ट्रॉफी। प्रियंका और शिव का भी सभी को बहुत लग रहा था कि ये दोनों जीत सकते हैं, लेकिन खबर कुछ अलग ही थी, मंडली के जो हीरो हैं एमसी स्टैन वो जीत गए। क्या कहना चाहोगे, क्या आपने भी कुछ सोचा था कि नहीं मैं इसे देखती हूँ एज अ विनर? एज अ विनर अगेन सेम थिंग, क्योंकि फैंस लोग जिनको जितना ज़्यादा प्यार दे रहे, वोट कर रहे, वही विनर बनेंगे आखिर में। लेकिन मैं ऑब्वियसली शालिन के साथ मेरी बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग हो गई थी निकलने से पहले, मेरे निकलने से पहले तो, और शालिन ने पूरे जर्नी में अकेले खेला है, और अगर जो भी उसके उतार चढ़ाव जो भी था, बहुत सारे चैलेंजेस, वैरायटी ऑफ मतलब जो गेम का स्टाइल था वो बहुत डिफरेंट था, हर दिन वो अलग अलग कुछ ना कुछ सोच लेता था, कभी चिकन तो कभी टीना तो कभी कुछ ना कुछ वो सोचता था, तो ऑब्वियसली ही प्लेड वेरी वेल। फिर प्रियंका मेरी दोस्त है, तो आई वॉज थिंकिंग कि शी शुड ऑल्सो विन बिकॉज शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ प्लेयर। और एमसी स्टार्ट से एंड तक बहुत जेन्युइन था, बहुत दिल का सच्चा बंदा वो जो है वो दिखा है, सो या ऑल इज वेल। बिग बॉस उनकी टीम में देखने वाले हैं बहुत जल्द, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो अभी तक फिलहाल कुछ पता नहीं है मुझे। आंटी, आप ही बोल दो, आप क्या डिमांड करती हो, क्या किधर देखना चाहती हो? नहीं, ऐसा कुछ डिमांड नहीं है, जो अच्छा मिलेगा वही वो करेगी, और जिंदगी में तरक्की है, तरक्की बस, ऐसा कुछ है पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि यही करना है, इसी में चांस मिलना है, नहीं। एक तो बहुत अच्छा स्कोप मिला था अभी, लेकिन थोड़ा बाहर शूट हो रहा है बोल के उसने ना कर दिया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया था।
लेवल और कुछ कहना चाहोगे श्रीजीता, आप आपके सभी जो आपके इतने फैंस हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनके बारे में? उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब से शादी का न्यूज़ बाहर आया है, बहुत सवाल आ रहा है कि श्रीजीता क्या बाहर चली जा रही है, इंडिया में रहेगी ना? तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल इंडिया में हूँ, अभी कई सालों तक इंडिया में हूँ, और ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँगी। कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ ना कुछ शोज़, कुछ ना कुछ रियलिटी हो, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, शोज़ करके आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँगी। आप लोग बस मुझे खूब 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 सारा सपोर्ट और प्यार भेजते रहिए, दैट्स ऑल। थैंक यू, थैंक यू।